Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम next बात करने वाले हैं collection of fiber evidence की. हमने इससे पहले fiber के जो basics होते हैं वो देख लिए थे and जो classification होता है कि fiber को हम किस किस types में classify कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है. और fiber के composition की कोई requirement नहीं होती है, इसलिए ये वाला video उसमें इसमें नहीं आएगा, ठीक है. और इसके बाद में सीधे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ फाइबर एविडेंस की. तो इसमें हम देख लेते हैं कि फाइबर एविडेंस जब भी हमें क्राइम सीन पर मिलता है तो उसका कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग करने के लिए हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. सो फर्स्ट पॉइंट इज विजिबल फाइबर एविडेंस शुड बी कलेक्ट बाई यूजिंग फोसेप. सो जो विजिबल फाइबर एविडेंसेस होते हैं जो कि हमको नेकेड आई से क्लियरली विजिबल होते हैं उनको हम फोर्सेप्स की हेल्प से कलेक्ट करते हैं. देन एडहेसिव टेप शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग नॉन विजिबल और माइक्रो ट्रेसेस ऑफ फाइबर्स. सो जो भी वो फाइबर्स के माइक्रो ट्रेस पार्टिकल्स या फिर वो पार्टिकल्स जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट हैं, बहुत ही पतले हैं, तो उस तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हमें एडहेसिव टेप का यूज़ करना चाहिए. एडहेसिव टेप मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा तो जब आप कलेक्शन करेंगे फाइबर्स का, मान लीजिए किसी क्लॉथ से करना है, तो साथ साथ बहुत सारे आ जाएंगे और बाद में जब हमें उसको एग्जामिनेशन करने के लिए निकालना होगा उससे, तो भी वहाँ पर दिक्कत आएगी. इसलिए जो एडहेसिव टेप हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा लेस स्टिकी होना चाहिए. देन वैक्यूम क्लीनर शुड बी यूज फॉर ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ फाइबर्स. सो वो पार्टिकल्स जो कि हमको नहीं दिख रहे हैं और आपको सस्पेक्शन है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ फाइबर एविडेंसेस प्रेजेंट हो या इस तरह से कुछ, तो उसके लिए आपको वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है. और जनरली जो फाइबर एविडेंसेस होते हैं आपको बहुत सारे जगह पर मिल सकते हैं. जो आपका कल्प्रिट होगा, अगर उसका अगर डेथ जो है अगर उसकी स्ट्रगलिंग की वजह से हुई है या फिर उसके माउथ में कपड़ा वगैरह डाला गया है, तो वहाँ से आपको फाइबर एविडेंसेस मिल सकते हैं. अगर हैंगिंग का केस है तो नेक में आपको मिल सकता है फाइबर के एविडेंसेस. तो इस तरह से बहुत सारे लोकेशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको फाइबर एविडेंसेस मिल जाते हैं बहुत ही ईजिली, और इससे आप काफ़ी हद तक केस को सॉल्व करने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन सैम्पल अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड सैम्पल फ्रॉम सस्पेक्ट सोर्सेज शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम क्राइम सीन. सो जब भी हम स्टैंडर्ड सैम्पल का जब भी हम क्वेश्चन सैम्पल का कलेक्शन करते हैं, जो भी सस्पेक्टेड सैम्पल होता है हमारा, तो उसके साथ साथ जो हमारा स्टैंडर्ड सैम्पल होता है उसकी भी हमें कलेक्शन कर लेना चाहिए. जो भी आपका सस्पेक्ट सोर्स होगा वहाँ से आप क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड दोनों ही सैम्पल का कलेक्शन करते हैं, ठीक है. और जब भी आप फाइबर का कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं वो भी, उसके अलावा जो क्लॉथ पीस होते हैं, क्लॉथ पीसेज होते हैं, तो वो भी आप कट करके उसको भी कलेक्ट करेंगे, ठीक है. क्योंकि वो भी आपका फाइबर का ही तो पार्ट है, क्योंकि फाइबर भी आपका उसी से तो बना है, ठीक है. तो इसलिए क्वेश्चन अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड सैम्पल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन. देन डिफरेंट फाइबर एविडेंसेज शुड बी केप्ट इन डिफरेंट पॉली बैग और कलेक्ट सेपरेटली. सो अलग अलग जगह पे जो आपको फाइबर एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको एक जगह पर मिला है, दूसरा आपको कहीं और मिला है, लाइक आपको एक विक्टिम के पास मिला है और एक आपको विक्टिम के जस्ट थोड़ा सा पास मिला है, तो इस तरह से जब आपको अलग अलग जगह पर एविडेंसेस मिलेंगे उन सभी को आप अलग अलग मतलब अलग अलग पैकेट में सेपरेटली सभी को पैक करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि ये तो एक ही जैसा है तो एक ही में मिक्स कर दें, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए. जो भी सैम्पल होता है उसको कभी भी इंटरमिंगल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है. देन पॉली बैग, पेपर बैग, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल और एनी अदर वेसल शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द एविडेंस. सो जब भी आप क्राइम सीन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ में जाना चाहिए. जितने भी तरह के कलेक्टिंग टूल्स होते हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए. सो जो फाइबर एविडेंस होता है उसके कलेक्शन के लिए आप पॉली बैग, पेपर बैग, प्लास्टिक बैग्स या फिर प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स या इसके अलावा और जो कुछ भी आपको मटेरियल अवेलेबल है उसमें आपको कलेक्शन कर लेना चाहिए. बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ में भी आप कलेक्शन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल वो क्लीन बॉटल या क्लीन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ होना चाहिए, ठीक है. बिल्कुल क्लीन होना चाहिए जो भी आप यूज़ करेंगे, वरना कंटामिनेशन हो जाता है और आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा,
ठीक है। आफ्टर दिस कलेक्टेड सैंपल्स शुड बी प्रॉपरली सील्ड बाय यूजिंग सीलिंग वैक्स एंड सेफली सेंट इट टू लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन। सो जब आपने आपके सैंपल को कलेक्ट कर लिया किसी किसी भी चीज़ में, जैसे पॉली बैग या पेपर बैग, जिसमें भी आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में उसमें हम प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, उसमें पूरा डेटा हम डालते हैं, केस नंबर और क्या फाइबर मतलब क्या एविडेंस नंबर है, उसके अलावा किस डेट का क्राइम है, कौन सा सेक्शन लगा हुआ है और किस तरह का केस था, क्या क्राइम था, वो सारा कुछ पूरा हम उसमें इंडिकेट कर देते हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने एविडेंसेस वाला पूरी सीरीज़ में आपको पढ़ाया था सिक्वेंशियल, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट होगी और आपको उसमें वाला वीडियो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ और जो भी एविडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग के लिए, तो वहाँ पर ओवरऑल मैंने बताया था, वहाँ पर आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने पूरा अपने सैंपल पे इंडिकेशन कर दिया, पूरा उसकी लेबलिंग कर दी है, उसके बाद में आपको उसको प्रॉपरली सील करना होता है। सील करने के लिए आप सीलिंग वैक्स का यूज़ करते हैं। पहले तो हम उसको नॉर्मली सील पैक कर देते हैं, उसके बाद में मतलब जैसे अगर आप किसी क्लॉथ पीस से उसको पूरा कवर करके देन उस पर इंडिकेशन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, उसको पूरा स्टिच कर देना चाहिए अच्छे से, मतलब कम्प्लीटली वो पैक होना चाहिए, एविडेंस का कोई भी पार्ट आपको बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब वो पूरा कंप्लीट पैक हो जाता है, उसके बाद में उस पर सीलिंग वैक्स की हेल्प से उसको पूरा सील कर देते हैं। दैट मीन्स वो शो करता है कि ये जो एविडेंस है वो मतलब आपके और पुलिस ऑफिसर के द्वारा सील किया गया है, उसके बाद में वो डायरेक्टली लैब आया है, उसमें बीच में कुछ भी हस्तक्षेप मतलब बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए हैं। दैट मीन्स चेन ऑफ कस्टडी में कोई भी ब्रेकेज नहीं हुआ है। अगर आपको जो लैब का इन्वेस्टिगेटर होगा, अगर उसके पास जो एविडेंस आ रहा है सीलिंग वैक्स में, अगर वो मैच नहीं हो रही है या वो टूटी हुई है या इस तरह से कुछ है, टूटी हुई तो फिर भी चल जाती है कि मतलब रास्ते में लाने में कुछ दिक्कत हो गई होगी, लेकिन अगर वो उखड़ी हुई है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि ये खोला गया है इस सील को, या फिर जो सील आपकी है वो मैच नहीं कर रही, जो साथ में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उन पर भी हम सील का इम्प्रेशन देते हैं, ताकि बाद में जो एग्जामिनर होता है वो मैच कर सके वो दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो सीलिंग वैक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका उसी के हेल्प से हम पूरा जो एविडेंस होता है उसको भी सील करते हैं, उस पर हमारा जो ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसकी सील का इम्प्रेशन भी रहता है, और सेम वही सील का इम्प्रेशन हम जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके साथ में भेजते हैं, उससे पूरा केस हिस्ट्री होती है, उसमें भी आपको वो सील का इम्प्रेशन आपको साथ में भेजना होता है, विद द मतलब अलॉन्ग विद जो सिग्नेचर होते हैं आपके इन्वेस्टिगेटर के, उसका साइन भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ डिटेल्स होनी चाहिए ताकि आगे फर्दर प्रोसेसिंग में हेल्प रहती है, और ये भी शो करता है कि चेन ऑफ कस्टडी रास्ते में कहीं भी कोई भी ब्रेकेज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कलेक्शन ऑफ फाइबर से रिलेटेड, उसका प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग और सेंट टू लेबोरेटरी, जहाँ तक पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और ये वाला वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये तो लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।